हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज के वीडियो में हम देखने वाले इंग्लिश कैलेंडर 2001 का यहाँ पे, और इस्लामिक कैलेंडर हम देखने वाले 1421 1422। तो अगर इस वीडियो का फर्स्ट टाइम देखो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और दोस्तों का भी शेयर कीजिए यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अभी ये जो वीडियो यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे जनवरी का महीना, यहाँ पे जनवरी के महीने में यहाँ पे इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से यहाँ पे दो मंथ आ रहे हैं। एक मंथ है शावल का और दूसरा मंथ है दुलकद्दा का। यहाँ पे तो दुलकद्दा की जो पहली तारीख है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पे जैसा यहाँ पे आप जैसे तो एक दो तीन चार पाँच छः जो लिखा हुआ है वो सब इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो छः सात आठ नौ दस यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो सब इस्लामिक मंथ के हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है। इस्लामिक जो दो मंथ है आ रहे उसके हिसाब से यहाँ पे डेट मतलब तारीख यहाँ पे दी हुई है। ये वाले सब डेट जो दिए वो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से, और ये सब जो है वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से यहाँ पे दी हुई है। तो चलिए यहाँ पे अब देखते हैं शावल का दुलकद्दा का महीना यहाँ पे है। तो दुलकद्दा की जो पहली तारीख है वो इस दिन से स्टार्ट होती है, मतलब 26 जनवरी 2001, और जो दिन था वो फ्राइडे का दिन था। उस दिन यहाँ पे पहली तारीख थी दुलकद्दा की, दुलकद्दा महीने की यहाँ पे जो पहली तारीख थी वो इस महीने से यहाँ पर स्टार्ट होती है। तो चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फरवरी का महीना, फरवरी 2001, यहाँ पे दुलकद्दा दुलहिज्जा की यहाँ पे तारीख यहाँ पे दी हुई है। तो दुलहिज्जा की जो पहली जो तारीख है वो इस दिन से स्टार्ट होती है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 25। तो 25 फरवरी 2001 और दिन था संडे का, यहाँ पे उस दिन पहली तारीख थी यहाँ पे दुलहिज्जा की। दुलहिज्जा की जो पहली तारीख, दुलहिज्जा मंथ की जो पहली तारीख थी वो इस दिन पे स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्च का महीना है। मार्च के महीने में यहाँ पे 2001 यहाँ पे है, 2001 का कैलेंडर आप देख रहे हैं यहाँ पे, जिसमें दो मंथ यहाँ पे आ रहे दुलहिज्जा मुहर्रम का महीना यहाँ पे आ रहा है। तो मुहर्रम की जो पहली तारीख है दुलहिज्जा की जो 5 तारीख है, 6 साल 8 तारीख के साथ लिखा हुआ यहाँ पे, और इसके बाद में फिर यहाँ पे ये जो पहली तारीख जो आ रही है मुहर्रम की आ रही है, ये मुहर्रम के महीने की यहाँ पे स्टार्ट होती है। मतलब इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से जो न्यू ईयर था, जिसको इस्लामिक मंथ के हिसाब से यहाँ पे बोलते हैं, मुहर्रम पहला महीना रहता है इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से यहाँ पे। तो इसकी जो पहली तारीख थी वो 26 मार्च 2001, और उस दिन पहली तारीख थी मुहर्रम महीने की यहाँ पे। तो चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे अप्रैल 2001। तो इस महीने में यहाँ पे मुहर्रम का सफर का महीना यहाँ पे आया। तो सफर की जो पहली तारीख थी वो इस दिन से स्टार्ट होती है यहाँ पे। तो ये 25 अप्रैल 2001 और जो दिन था वेनेसडे का यहाँ पे, उस दिन पहली तारीख थी सफर महीने की। ये सफर महीना और मई के कैलेंडर में मई 2001 यहाँ पे, और उसमें यहाँ पे सफर और रबी अव्वल का महीना यहाँ पे आ रहा है। तो रबी अव्वल की जो पहली तारीख थी वो इस दिन से स्टार्ट हुई थी, मतलब 24 मई 2001, और जो दिन था वो थर्सडे का यहाँ पे दिन था, और उस दिन पहली तारीख थी यहाँ पे रबी अव्वल की यहाँ पे। अभी नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जून का महीना, यहाँ पे जून 2001 यहाँ पे रबी अव्वल और रबी उल आखिर का महीना यहाँ पे दिया हुआ है। तो रबी उल आखिर की जो पहली तारीख थी, रबी अव्वल का जो तारीख है, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, 9 10 11 12 जो लिखा हुआ है सब रबी अव्वल की यहाँ पे लिखा है। रबी उल आखिर का जो महीना है इसमें, ये इसको रबी आथाई भी बोलते हैं यहाँ पे, रबी आखिर भी बोलते हैं इसको, ये वाले मंथ को। तो यहाँ पे रबी आखिर की जो पहली तारीख थी वो इस दिन को बोलते हैं, मतलब इस दिन से स्टार्ट हुई थी यहाँ पे, मतलब 23 जून 2001, और जो दिन था सैटरडे का यहाँ पे दिन था, उस दिन पहली तारीख थी रबी आखिर की। तो रबी आखिर और जमादिल अव्वल का जो महीना था वो इस दिन से स्टार्ट होता है। जमादिल अव्वल का जो महीना है वो इस दिन से मतलब इस तारीख से स्टार्ट होता है। मतलब ये अपने यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो दिया हुआ, ये मतलब 22 जुलाई, उस दिन यहाँ पे 1 तारीख थी यहाँ पे, और दिन था संडे का यहाँ पे दिन था, और उस दिन पहली तारीख थी जुमादिल अव्वल की। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है जो अगस्त 2001 यहाँ पे, और उसमें यहाँ पे जुमादिल अव्वल और जुमादिल आखिर का महीना यहाँ पे दिया हुआ है। तो जुमादिल आखिर की जो पहली तारीख थी वो थी वो 20 तारीख को, 20 अगस्त 2001, और उस दिन पहली तारीख थी यहाँ पे जुमादिल आखिर की यहाँ पे। तो चलिए अभी नेक्स्ट यहाँ पे जो देखते हैं सितंबर का महीना, सितंबर 2001 जुमादिल आखिर और रजब का महीना यहाँ पे। तो रजब की जो पहली तारीख थी 2001 के कैलेंडर में वो थी 18 सितंबर 2001, और उस दिन पहली तारीख थी रजब महीने की। रजब महीने की जो पहली तारीख थी वो 18 सितंबर 2001 का था, और जो दिन था वो ट्यूजडे का यहाँ पे दिन था। तो चलिए अभी नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है अक्टूबर 2001, उस दिन यहाँ पे रजब और शाबान का महीना यहाँ पे है। तो शाबान की जो पहली तारीख थी वो यहाँ पे ये वाले दिन से स्टार्ट हुई थी, मतलब वो तो जो जो तारीख जो थी वो 18 अक्टूबर 2001, और उस दिन यहाँ पे शाबान की पहली तारीख थी इस्लामिक मंथ के हिसाब से यहाँ पे।
नेक्स्ट है यहाँ पे नवंबर 2001 में यहाँ पे शाबान का रमजान का महीना था, तो रमजान की जो पहली तारीख थी वो इस दिन से स्टार्ट हुई। रमजान का जो मंथ स्टार्ट हुआ था वो इस दिन से स्टार्ट हुआ, 2001 में रमजान जो स्टार्ट हुआ था वो 16 नवंबर 2001, और उस दिन पहली तारीख थी यहाँ पे रमजान महीने की। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पर दिसंबर 2001, उसमें यहाँ पर रमजान का शावल का महीना है, तो शावल की जो पहली तारीख थी वो थी यहाँ पे 16 दिसंबर 2001, उस दिन पहले यहाँ पे तारीख थी शावल की। यहाँ पे शावल की पहली तारीख यहाँ से स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ में, आपके दोस्तों के साथ में। ओके फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।